नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अलसी का पाउडर बनाएंगे। अलसी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं और हर कोई के बजट में आते हैं ये। तो चलिए बनाते हैं इसका पाउडर। आज हम अलग अलग यूज के लिए 3 तरह का पाउडर बनाएंगे अलसी की। तो अलसी की बीज मैंने लिए हैं 1 kg, इजीली मिलती हैं बाजार में ये, और इस तरह के आते हैं बाजार में देखिए। और 2 बड़े चम्मच छोटी सौंफ, जो खाना खाने के बाद हम खाते हैं वही। 2 बड़े चम्मच हरी इलायची, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया और लाल मिर्च 4 पीस, तेज पत्ता 5 पीस। तो चलिए बनाते हैं पाउडर। गैस पर पैन रखकर पैन गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो अब पैन गर्म हो चुका है, अब हम डालते हैं इनमें अलसी के बीज। 2 चम्मच डालेंगे अभी और इन्हें चलाते हुए भुनेंगे, फ्लेम हाई ही रखेंगे। इसे भुनने में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। इन्हें भुनने के लिए बड़ा पैन ही लीजिए, नहीं तो उछट के बाहर आ जाते हैं। अब जब इनमें से चिट चिट की आवाज आने लगे तो गैस का फ्लेम लो कर लेंगे, और आप चाहे तो एक हाथों से ढक्कन रख कर और दूसरे हाथों से इसी तरह से चला लें। तो देखिए इनमें से आवाज़ आने लगे हैं, ये फूल फूल कर गोल हो गए हैं, चिट चिट की आवाज़ करते हुए फूट गए हैं। तो अब हम गैस ऑफ करके इसे निकाल सकते हैं। देखिए इसी तरह के होते हैं भुनने पर। तो अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सभी को इसी तरह से भून लेंगे। तो देखिए मैंने सारे भून कर निकाल लिए हैं। भूनने के बाद ये इतनी क्रिस्पी हो जाती है कि हम चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं। अब हम जो मसाले लिए हैं उन्हें भुनेंगे। तो सबसे पहले सौंफ को भूनते हैं, और इन्हें हम ज़्यादा नहीं भुनेंगे, जस्ट 1 मिनट भून लेंगे, ताकि हमें पीसने में आसानी हो मिक्सी में। तो अब भून चुका है ये, अब इसे निकाल लेते हैं। अब इलायची भून लेते हैं, इन्हें भी 1/2 से 1 मिनट भून लेंगे। अब ये भी निकाल लेते हैं। अब धनिया को भूनते हैं, धनिया को भी 1/2 मिनट भून कर निकाल लेते हैं। अब ये तेज पत्ता और लाल मिर्च को भूनेंगे। तो अब ये भी क्रिस्प हो चुका है, तो अब निकाल लेते हैं, और लाल मिर्च को भी। अब ये भी फूलकर गोल हो चुकी है देखिए, तो अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। तो हम सभी चीज़ें को भूनकर रख लिए। अब हम मिक्सी जार में डालकर सभी को पीसेंगे। तो सबसे पहले अलग से अलसी के बीज को पीसेंगे, इसके बाद मसाले डालकर पीसेंगे। इन्हें पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो अच्छी तरह से नहीं पीस पाएंगे। और मिक्सी जार में उतना ही डालेंगे एक बार में, जितना पीसने में आसानी हो। मैंने सारे अलसी के बीज पीस लिए हैं, बहुत अच्छी पाउडर बनी है। इन पाउडर को 3 जगह रखे हैं। एक भाग को मैं छलनी की सहायता से छान लिए हैं और एक प्लेट में रखे हैं। इनमें अब सौंफ और इलायची डालकर पीस लेंगे फिर से। और ये जार में जो रखे हैं इनमें अब ये धनिया जो हम भून कर रखे थे ये डाल लेंगे, और लाल मिर्च और तेज पत्ता को भी डालकर पीस लेंगे फिर से। तो अब हम इन्हें फिर से पीस लेते हैं, फिर इनका यूज जानेंगे। तो देखिए मैंने सारे पीस कर रख लिए, तैयार कर लिए। ये हैं जो हम लाल मिर्च और तेज पत्ता धनिया डाले थे, ये पाउडर है। इनसे बहुत बढ़िया करी बनती है, चटनी बनती है, अचार बनता है। बहुत जल्दी ही आप लोगों से शेयर करूंगी इसका भी रेसिपी। और ये पाउडर जो हमने सौंफ और इलायची डालकर पीसी थी, ये वही पाउडर है। इन्हें हम खाना खाने के बाद 1 छोटी चम्मच अथवा 1/2 छोटी चम्मच खाए तो बहुत ही फायदाजनक है।
और ये तीसरा पाउडर जो हम सिर्फ अलसी के बीजों को पीस कर बनाए हैं, इनसे बहुत बढ़िया मिठाई बनती है। कोई सैलेड में डालकर खा सकते हैं और पूरी पराठे रोटी में डालकर बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी इनका भी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी रेसिपी। तो आप ये अलसी का पाउडर बनाकर अपने डेली लाइफ में किसी न किसी तरह से इस्तेमाल कीजिए, इनका हेल्थ बेनिफिट उठाइए और टेस्टी भी बहुत होती है तो सभी लोग को पसंद होंगे। तो आप ये पाउडर बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।